हमारे साथ सुरिंदर चौधरी जी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। सर, काफी महत्वपूर्ण जीत पहले आपकी रही, जिस तरह से आपने रविंद्र रैना को हराया, उसके बाद आप मंत्रिमंडल में और डिप्टी सीएम के रूप में कैसा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आज अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा परिवार और मेरा निशारा कांचन से किताब वीर पंचाल इनका करेदार हो गया, क्योंकि किताब वीर पंचाल के अंदर और निशारा के अंदर पहले उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया है और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और आज मेरे पास लफ्ज नहीं है, शब्द नहीं कि मैं अपने लीडरों का शुक्रिया अदा कैसे करूं और मैं अपने निशारा के लोगों का भी शुक्रिया कैसे अदा करूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे वहां से जिताया, आज उन्हीं की बदौलत आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हूँ और मैं अपने माँ बाप का, अपने भगवान का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। काफी चुनौती आपकी सरकार के सामने रहेगी, क्योंकि अभी भी ज्यादातर अधिकार जो है वो एलजीपी के पास बने। देखिए, हम चुने हुए लोग हैं, लोगों ने जिताया है। हिंदुस्तान लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है और ये दिल्ली वालों को भी सोचना पड़ेगा कि हमने किसकी सुननी है, क्योंकि हम अब खुद तो चुन के आए नहीं, जब कोई नॉमिनेटेड तो है नहीं, लोगों ने हमें जिताया है और हजारों की तादाद में हम वोट लेके आए हैं, तो अब लोग बात रखेंगे, वो दिल्ली वाले भी सुनेंगे, हम उम्मीद करते हैं। और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इसको वो पूरा का पूरा चलाएंगे और जल्दी से जल्दी हमारा जो स्टेट जो होम मिनिस्टर ने ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने वादा किया हुआ है ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, वहाँ पे उन्होंने वादा किया हम जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे और उम्मीद करते हैं जल्दी हम स्टेट दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये सुरिंदर चौधरी है जिन्होंने हमारे साथ बात की और बताया कि वो जो है जम्मू कश्मीर को एक अच्छी सरकार देंगे, इस तरह से उन्होंने एक शुरुआत की है, एक संतुलन बनाया हुआ है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज 24।